पर सीक्वेंस यही है कि बेटी को कुछ किडनैपर्स जो है किडनैप करके ले जा रहे हैं। जरा सा बाहर आओ खिलौनी मत, ये दिखा था। संदीप भाई आप आओ जरा बाहर, ये हाँ रुक जा आवाज आई क्या? तो क्यों बोल रहे हैं? मैडम आइए, मैडम को इससे पहले लाना पड़ेगा। एक काम करते मैम पीछे जाइए, मैं वहां से रिहर्स करता हूँ जहाँ आपसे आना। ओहो मैम मैंने बहुत कुछ बोला था, भूल गई सब आप। मैम मैंने बोला था दूसरी बार भी नाम लूंगा आपका। Sorry. हाँ तब तक पीछे ही रहना है आपको। पीछे? नहीं नहीं वो पीछे सीढ़ी वाला पीछे। आइए मैम। नहीं नहीं जाइए मत, जाइए मत, लाइन है लाइन है। ऐसे कैसे गुस्से बैठ जाओगी? हम खानदानी किडनैपर है, जोर जबरदस्ती किए बिना किडनैपिंग नहीं करते। मंगो पकड़, चाकू पकड़। करेक्ट अनूप जी, देखा आपने? ये तो आपको देखेंगे तब पता लगेगा। तो एक बाप भागता है उन किडनैपर्स के पीछे, अगर किसी की बेटी किडनैप होती तो जाहिर सी बात है। तो वो एक छोटा सा सीक्वेंस था जिसमें छेदी यानी कि मैं संजना को वो किडनैपर्स लेके जा रहे हैं, तो देखता है करिए बेटी को किडनैप कर रहे हैं तो पीछे भागी अनुप जी आगे की तरफ। हाँ ये बहुत स्लो किया इन्होंने, तब तक गाड़ी निकल जाएगी। सोचिए गाड़ी निकल गई, पक्षी हाथ से निकल गई, किडनैपर्स के हाथ में आ गई। पुलिस सिचुएशनल कॉमेडी में तो मजा ही आता है ना। बात कितनी भी वहां पे वैसी चल रही हो, कितनी भी टेंस सीन हो, लेकिन इसकी सिचुएशन अगर कॉमेडी है तो आपको बहुत मजा आएगा। तो वैसा ही कुछ है इसमें कि सिचुएशन तो टेंस है लेकिन उसमें फन है एक, कि वो किडनैपर्स कौन है पहली चीज़ तो ये कॉमेडी है, और वो क्यों ले जा रहे हैं उसको ये भी एक कॉमेडी है, और ले जाते वक्त जो रास्ते में आपस में जो क्योंकि बेवकूफ़ किडनैपर है ना, तो सिचुएशनल जो कॉमेडी है वो सिचुएशन पैदा करती है, तो आपको मज़ा आएगा उस कॉमेडी देखने में, क्योंकि सीरियस मामला नहीं है ना, है सीरियस लेकिन बेवकूफ़ किडनैपर्स। लड़की भी मेरी थोड़ी सी अलग ही तरीके की है, मैं भी थोड़ा अलग ही भलता टाइप का कैरेक्टर हूँ, तो सभी जब भलते से होंगे तो कितना भी टेंस हो मामला हल्का फुल्का हो ही जाता है। एक्शन एक्शन आइए मैडम। इसमें आएगी क्या मैडम?
तो मेरा क्या साले होलसेल का धंधा है क्या किडनैपिंग का? मैं भी तो पहली बार कर रहा हूँ ना। एक काम करियो जैसे मैडम आए मुझे हाथ बांध दी। आइए मैडम आगे। प्लीज मुझे हर्ट मत कीजिएगा। उसके बाद में हाँ रोलिंग एक्शन। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, मैं तो धीरे धीरे करके मतलब जैसे कैरेक्टर में कॉस्ट्यूम पहना, मेकअप लगाया, एक आध सीन पढ़े थोड़े गौर से, फिर उसका आगे पीछे का, धीरे धीरे करके वो कैरेक्टर आप में समाने लगता है। थोड़ा वक्त लगता है इसमें, लेकिन जब आप में समा जाता है तो फिर आप जीने लगते हैं। कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि गोली खाई और आपने कैरेक्टर शुरू कर दिया। आप थोड़ा सा फील करते हैं, थोड़ा सा उसके आगे पीछे का पढ़ते हैं, और बाकी के जो कैरेक्टर्स होते हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनसे भी जो आपको वाइब्रेशन मिलती है अपने कैरेक्टर के लिए, तब आप फील करते हैं। जब आपकी बेटी आपसे बाप कहती है, पड़ोसी आपसे आपको पड़ोसी कहता है, तो आपको फील होता है अच्छा इसका मेरे साथ ये रिलेशन है, इसके साथ ये रिलेशन है, उसके साथ वो रिलेशन है। और जैसा वो व्यवहार करते हैं उसके अपोजिट जब आप उनको जवाब देते हैं, फिर उस पर जो ह्यूमर निकलता है, तो पता लगता है अच्छा कैरेक्टर की ये सीमा है। और धीरे धीरे करके वो फूल की तरह है, बीज डालो पहले पौधा, पौधे का अंकुर फूटे, फिर एक पौधे की कली आई, फिर वो गुलाब की तरह खिल गया, तो कहते हैं वाह क्या बात है। तो चीज़ों में वक्त लगता है। कभी कभी हम पैकअप से जल्दी घर चले जाते हैं, तो शाम को घर पे पत्नी देखती हैं, बच्चा देखता है, तो हम भी जा कर के बैठ जाते हैं और जा कर देखते हैं, खुद का काम देखते हैं, फिर समझ में आता है कैसा हो रहा है, तो घर वालों के रिएक्शन से भी पता लगता है, क्योंकि जेन्युइन हैं वो लोग। वो ऐसा नहीं है कि आपको खुश करेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ शो देख रहे हैं। अगर उनको हंसी आती है तो बोलते हैं हाँ भाई बहुत मज़ा आया, नहीं आती है तो कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। तो एक्चुअली वहाँ से पता लगता है कि भाई सही चीज़ बताना कि जो हो रही हो, तो एक्चुअली वो हमारे लिए वो है कि भाई हम उनसे पूछ सकें। फिर पब्लिक के जैसे रिस्पॉन्स आते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, वो सीन बहुत अच्छा था, वो एपिसोड बहुत अच्छा था, तो खुशी होती है कि चलो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँच रही है। नहीं मैं आपको सच बताऊँ, दिन रात जो है ना सिर्फ एक्टिंग का ही नशा है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी मैं जो चाहूँगा, बाकी ये है कि जो एक है दिल में ख्वाहिश की कुछ और अच्छे हो जाएंगे, तो यही है कि लोगों की मदद, लोगों को सही गाइडेंस देना जो हमसे हो सकता है, समाज के लिए, लोगों के लिए, जो बेचारे जो कर नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में, उनकी थोड़ी मदद करना, एक ह्यूमनिटी के नाते, एक ह्यूमन बींग के नाते में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, लोगों के साथ, लोगों के सुख दुख में जाना, उनसे पूछना, जितनी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से जो आपकी मदद हो सके वो करना, इसमें मुझे तो मज़ा आता है, ये चीज़ें करने में मुझे मज़ा आता है। बाकी मैं लाइफ में लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से हंसना बोलना, कोई ऐसा नहीं कि नहीं यार अरे इनसे क्यों हमसे करें, दुनिया में सब समान है, इंसान है, आइए हंसिए बोलिए और फिर निकल लीजिए। चंगू और मंगू आपको चाहते हैं, आपको किडनैप करना चाहते हैं। भाई अगर चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। चाकू मार के, चाकू मार के।
बिना जोर जबरदस्ती किए किसी को किडनैप नहीं करते हैं। ये मंगो पकड़। ओके ओके, ये यहाँ से मिल गया। ठीक है।